हेलो दोस्तों, तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर समझा था, वीडियो के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट समझा था। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी एयर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो हमारे ऊपर सबके ऊपर लग रहा है, इसको फील आप कर सकते हैं। किस तरह से फील कर सकते हैं ये देखिए, एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ छोटा सा, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, बैलून लीजिए, बैलून को आप फुलाइए इस तरह से। फूल चुका है बैलून आपको, अक्सर इसमें क्या बड़ी बात है, आपको अभी भी बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि बैलून फूल गया, आम सी बात है। अभी हो क्या रहा है, यहां आसपास की जो एयर है इसको इसने पुश कर दिया है, दूर भगा दिया और अपने लिए जगह बना ली। एयर की मतलब एयर स्पेस जो है वो लेती है, जगह लेती है, जगह लेती है, इसकी जगह को, एयर की जगह को साइड कर यहां पे बैलून आ गया। अगर मैं छोड़ देता हूं तो होगा क्या, आप कहोगे सर इजी से है, इसमें से हवा बाहर आ जाएगी। और वो हवा बाहर क्यों आई, क्योंकि एयर ने यहां पे प्रेशर डाल दिया। ये देखिए, एयर ने प्रेशर डाल दिया, इसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए, अब और ज्यादा अच्छी चीज दिखाता हूं। आप क्या करो, एक बैलून लीजिए और उसको बॉटल के अंदर, वही वाला बैलून है, कहीं आपको सर ये क्या है, ये कुछ अलग तो नहीं कर दिया आपने। बस आपने क्या करना है, इसको यहां से कवर कर देना है। यहां से मैं पकड़ के इसको बैलून इसके ऊपर चढ़ा देता हूं, चढ़ा दिया। अब मैं अगर इसको ब्लो करता हूं, इसके अंदर एयर डालता हूं, ये देखिए पूरा जोर लगा दिया मैंने और ये बैलून फुला ही नहीं, क्या हो गया ये, आप दोबारा देखना चाहते हैं? और अगर आपको लगता हो कि सर कहीं ये मास्टर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये मास्टर कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई चीटिंग नहीं कर रहा, आपको खुद करके देखना पड़ेगा अगर आपको समझना है कि ये चीटिंग नहीं है। सीधी सी बात बताता हूं, अगर आप खुद करके देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। यहां पर देखिए, नहीं फूला नहीं भाई साहब, ये क्यों नहीं फूला, क्या रीजन है? क्योंकि इसके अंदर की जो एयर है, इसके अंदर की जो एयर है उसने आगे, उसको आगे जाने की जगह नहीं मिली ना, उसको कहीं जाने की जगह नहीं मिली। एयर आसपास की जो एयर है उसको हम दबा नहीं पाए, उसको कहीं भगा नहीं पाए, उसके पास जगह ही नहीं थी कि वो अपनी स्पेस को ले सके। इधर से एयर ने पूरा दबा के रखा हुआ है, जान लगा दो, जितनी मर्जी जान लगा लो, मुंह से आप इसको फुला नहीं पाओगे, इसको फुला नहीं पाओगे। आप खुद करके देखो। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहां पे मेरे पास बॉटल है और एक और बॉटल के अंदर एक और बैलून हम इसके अंदर डालते हैं। यहां पे मैं बैलून, वही सिंपल सा बैलून है हमारे पास, और इसको कवर कर लेते हैं, यहां से हम इसको कवर कर लेंगे। ये लीजिए, यहां पे कवर है। अब मैं इसके अंदर एयर ब्लो करता हूं, ये देखिए क्या हुआ, ये तो फूल गया, ये तो फूलने लग गया, ये क्या चक्कर है? देखिए, पहले हमने फुलाया तब नहीं फूला, अब कैसे फूल गया? अब मास्टर जी ने एक चक्कर किया, क्या किया है, यहां पर मैंने एक होल किया है, यहां पर देखेंगे, ये देखिए ये एक होल किया है। इस होल के कारण हो क्या रहा है, यहां के अंदर की जो एटमोस्फेयर की एयर है वो यहां से रश आउट कर जाती है, बाहर निकल जाती है। बैलून अपनी जगह बनाता है, एयर को बाहर भेज देता है, और जब दोबारा मैं छोड़ता हूं और ये एयर वापस जाती है और बैलून को वापस एयर में से, जो बैलून में से जो है एयर है उसको बाहर धक्का दे देती है। अब एक और चीज, ये भी नहीं हुआ, अभी मजा नहीं आया। अब देखिए, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज करके दिखाता हूं, उसको ध्यान से देखना। ये बैलून मैंने फुलाया और ये फुला का फुला ही रह गया, ये देखिए बैलून फुला हुआ रह गया। कैसे रह गया? और ये ऊपर से ओपन भी है, यहां से ये ओपन है, आप इसके अंदर एक पेन भी डाल सकते हैं, ये बैलून ओपन है, एयर बाहर नहीं जा रही, ये क्या चक्कर है? क्यों, अब बात समझ आई थोड़ी सी,
कि एयर कैसे खेल खेल रही है हमारे साथ। जब हम नॉर्मल बैलून को फुला के छोड़ते हैं, हमें लगता है भाई एयर ने बाहर ही जाना था और क्या होना था, अब क्यों नहीं जा रही, ओपन पड़ी है। ये देखो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, क्या किया हुआ मैंने, यहां से होल बंद कर दिया, पहले मैंने फुलाया, एयर बाहर जा रही थी, मैंने जब फुला लिया एयर यहां से बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, अब एयर अंदर नहीं जा रही, धक्का नहीं दे रही, तो इसके अंदर की एयर बाहर नहीं आ रही, और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो गई एयर बाहर गई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने अपना दम दिखाया, बाहर भगा दिया, बाहर भगा दिया। अब दोबारा देखो एक बार, ये देखो एयर, मैंने ये छोड़ रखा ओपन, छोड़ दिया, अब देखो यहीं से पकड़ लिया मैंने इसको और ये बैलून ओपन पड़ा है और इसके अंदर हवा है और फिर भी बाहर नहीं जा रही, और जैसे ही छोड़ता हूं गया। अब देखो एक और चीज दिखाऊं अच्छी, देखो बैलून को फुलाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसके अंदर एयर फिल करोगे फूल जाएगा, लेकिन एक और तरीके से आप बैलून फुला सकते हो। कैसे? इसमें थोड़ा सा ज्यादा जोर लग सकता है मेरा, मुझे थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। क्या करना है, अगर मैं इसके अंदर से एयर खींच लूं, मतलब बॉटल के अंदर से एयर खींच लूं, तो क्या होगा, तो देखते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को, ये देखना, बैलून फूल गया भाई साहब, इस तरह से बैलून फुलाया क्या कभी, इस तरह से बैलून फुलाया, मैंने फुलाया नहीं है बैलून को, मैंने यहां की एयर निकाली है बाहर और यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने बैलून को फुला दिया अंदर से। है मजेदार चीज, मजा आया या नहीं आया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और बच्चों के साथ अपने जो भांजे भतीजे छोटे घर में बच्चे हैं उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को भेज दो भाई, उनको दिखा दो, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे खेल खेल रही है हमारे साथ, हमें ही नहीं पता। ओके थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन तो वो देखिए बिल्कुल सामने है, और सब्सक्राइब का बटन है जल्दी से दबा दो भाई, बहुत मजा आता है लाइक के बटन देख के, ज्यादा से ज्यादा लाइक वीडियो को होगा मुझे मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। SSC JEE RRBJEE अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें।